तक, इतना बड़ा मामला है ये। देखिए मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, हम लोग पकड़ लेंगे। थैंक यू। पकड़ लेंगे, और जो मर गया है सर उसका उसका क्या होगा, परिवार का? जी बताइए आप कौन हुए? बड़े भाई, बड़े भाई है सर, सर बड़ा भाई सामने आ गया, सर जवाब दीजिए, सर ने आश्वासन दिया अपराधी को पकड़ेंगे, सर बड़ा भाई सामने। अगर होता बिजनेसमैन वाला का दारू को पकड़ोगे तो कितने कौन जिम्मेदारी लगा रहे? दारू आवेगा तो पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन यहाँ मर्डर हो गया है, पुलिस लाइन पे लगाई गई। लड़का वो जो है वहाँ से क्रॉस कर रहा था अपने दुकान आने के लिए, ये हम यहाँ पे गिरा है ना, गोली वहाँ पे लगते गई, लोग अपने राहुल अपने को बचाते बचाते यहाँ पर आया और यहाँ पे दम। जी हाँ, इस वक्त आप एक जले हुए बुलेट को देख रहे होंगे। इस जले हुए बुलेट को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस पर एक अपराधी ने 22 वर्षीय युवक की निर्मम तरीका से हत्या कर दिया और फरार हो गया। यह पूरा मामला जक्कलपुर थाना है, इस पर देख सकते हैं पूरा पुलिस फोर्स उतरा हुआ है, कर भी गई चिड़िया टूट चिड़िया ताल पुल के पास इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए। मैं बता दूं जिस लड़का का हत्या हुआ है उस लड़का का नाम है राहुल, उस लड़का का दुकान इसी गली में है, वो अपना दुकान जा रहा था। ये जो बुलेट में जो सब अपराधी जो था, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा चल रहा था, उसी बीच राहुल यहाँ से क्रॉस करके दुकान जा रहा था, उसी दौरान इस अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दिया और उस पिता का कांधा छीन लिया और उस माँ की गोद सूनी कर दी। मैं आपको एक एक दृश्य दिखाऊंगा इस परिवार के ऊपर क्या क्या बीत रहा होगा, आखिर राहुल मरा कैसे। इस वक्त देख सकते हैं पूरी जनता उमड़ी हुई है ये देखने के लिए आखिर क्या हुआ। सबको पता है यहाँ पर घटना क्या घटी है। भैया क्या हुआ बता सकते हैं आप? कोई बताइएगा, सच क्यों बोलेगा, कोई बोलेगा? जी बोलो, पता है आपको? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कोई नहीं मारा यहाँ पे। अरे बोलो लड़का, कोई मारा है कि नहीं मारा यहाँ पे? कोई नहीं मारा है, देख लीजिए। यह है बिहार की जनता, ये है सच का सामना, ये है जनता। पुलिस क्या करेगी जब जनता ही जागरूक नहीं है? यहाँ पे उस समय सभी लोग मौजूद थे, घटना घटी है, सबको पता है, सब लोग जानता है घटना क्या है। भैया बता क्या हुआ है? ये बोले, देखिए ये बाबा सामने आए हैं बोलने के लिए सच। कौन मार देगा आपको? कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा बाबा। बताइए क्या सब हुआ है? कोई नहीं मारेगा, पुलिस प्रशासन के आपके आ चुकी है मौके पर। अच्छा बोले क्या सब हुआ बताइए। हम तो देखा बाबा पर खड़ी थे। अच्छा दूगो लड़का था। हाँ। एक वो मोबाइल ऐसे ले ले। हाँ। वो इतना करिया ले ले था। अच्छा ऐसे खाली ऊपर मारी फारी लगा हुआ लगा। हाँ। लड़का भाग लगा गली में। अब फिर दुकान से जाना लड़का। हाँ, हाँ। दुकान जा रहा था। हाँ। फिर सो जाया। हाँ। वो भाग चला, भाग चला। हाँ हल्ला हुआ बहुत। हाँ पब्लिक उठाओ गया। उसमें आप कहाँ पर थे? हाँ मिला होता वहाँ पर थे। इधर दुकान है क्या? हाँ दुकान। दुकान कहाँ पर आपका है? देख लीजिए ये दुकानदार हैं, ये साक्षात गवाह हैं, इन्होंने देखा था किस तरह से यहाँ पे हरकत किया जा रहा था। और सोच लीजिए अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीर कैद हो चुकी है। आखिर जक्कलपुर थाना पकड़ क्यों नहीं पा रही उस अपराधी को? हाँ। सोचिए पूरे व्यवसायी यहाँ पर काफ़ी दहशत में है, एक अपराधी आया गोली मारकर फरार हो गया। विनय जी का वहाँ पर दुकान है। अच्छा। एनके एंटरप्राइजेज। हाँ हाँ। उनसे ब्रिटानिया के उनके दुकान पर माल उतर रही थी, तो वो लोग पूछने कंपनी वाले आदमी पूछने लगे कि माल कहाँ से मंगाते हैं। हाँ हाँ। तो बोले कि माल बाहर का है, जहाँ से दो पैसा मिलता है सस्ता वहाँ से माल ला के हम लोग बेचते हैं। रेट कटिंग में जहाँ माल मिलता है जहाँ से लेते हैं। हाँ। एजेंसी वाला का माल महंगा पड़ता है, बिक नहीं पाता है। तो एजेंसी वाला लोग थे जो मना किए कि माल नहीं लेना है, माल नहीं उतरेगा टेम्पो पड़ते हैं। तो बोले कि चोरी का माल तो है नहीं मेरा, कि नहीं उतरेगा। माल उतरने लगा। अच्छा। उसके बाद वो लोग बहस दोनों में होने लगा। बहस में कुछ नहीं हुआ था, बस 5 मिनट की बहस थी, फिर वो लोग अपना चले गए, हम लोग अपना काम में लग गए। अच्छा। हम लोग बिजनेस में अपना काम में लग गए। वो लोग 7-8 को फ़ोन करके बुला लिए। करीब आधे घंटे के बाद आए वो लोग यहाँ पर, ज़बरदस्त फायरिंग करने लगे। फायरिंग में एक बिजनेसमैन थे राहुल कुमार, जिनका गोली लग गया, उनको स्पॉट डेड, दुकान है अमित इंटरप्राइजेज, अमित इंटरप्राइजेज। हाँ। उनको गोली लग गई, वो स्पॉट डेड पर वहीं पर डेड कर गए। हाँ। फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पैलेस हॉस्पिटल ले गए, जहाँ अभी पोस्टमार्टम के लिए कहीं और जाना पड़ा। हम लोग उनको जो घटना जो गोली चलाए थे, हम लोग उनको पीछा किए। वो लोग दौड़ के चले गए बैंक ऑफ इंडिया में, फिर भैया बैंक वहाँ से हम लोग पकड़ के लाने लगे।
लाने लगे तो गश्ती में जो पुलिस वाले जो गश्ती कर रहे थे वो जबरदस्ती हम लोग से छोड़ा करके ले चल गए थाना। अब कौन थाना में लगे ये हम लोग को मालूम नहीं है। फिर उसके बाद अपराधी पकड़ाया है। हाँ, अपराधी जो गोली चला रहे थे वो भाग गए हैं। भागा हुआ? हाँ, जिससे बहस हुई थी वो पकड़ाया हुआ, वो पकड़ाए हुए हैं, वो थाना में ले चल गए। थाना में ही थाना, इनके अनुसार थानेदार ने जो व्यवसायी झड़प हो रहा था उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई है, जिसने दहशत फैलाया चिलेटल पुल के पास, वो अभी तक फरार है। फरार है, हाँ, फरार और है। देख सकते हैं मौके पर पुलिस पहुंची हुई है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। पुलिस को पहुंचना चाहिए था अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन देखिए दुर्भाग्य प्रशासन में 2 घंटे के बाद हम लोग के पास, 2 घंटे के बाद प्रशासन आई है। ये देखिए पटना पुलिस इसी के 100 मीटर की दूरी पे है। ये बुलेट अपराधी का जिसने गोली चलाई थी, हाँ। इसी अपराधी का ये बुलेट, इसका नंबर देखिए, यहाँ नंबर दिखाइए, नंबर बुलेट नंबर देखिए, ये BR01DY7901 इस नंबर प्लेट के तहत उसे पकड़ा जा सकता है। इसका पूरे खानदान का इतिहास निकाला जा सकता है अपराधी का, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसका फुटेज बैंक ऑफ इंडिया से भी मिल जाएगी। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया में वो चढ़ा था, वो गार्ड को लेकर उतरा, हम लोगों पर झूठ मूठ का चोर चोर का हल्ला आरोप लगा दिया, लेकिन हम लोग भी जब बोलने लगे तो उसमें सबको विश्वास हो गया कि वही चोर है, अच्छा वही अपराधी है। हाँ, उसके बाद हम लोग उसको पकड़ने लगे, लेकिन पिस्टन लिए हुआ था जिस कारण हम लोग पूरी तरह से उसको पकड़ नहीं पाए। हाँ, जिसके पास पिस्टन नहीं था उसको हम लोग पकड़ लिए, वो भाग गया, वो भाग गया। हाँ, अच्छा राहुल के पिताजी का नाम क्या है? मदन अग्रवाल। अच्छा, उनके कितने बेटा बेटी है? 4 बच्चा है। हाँ, बच्चे के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, 4 बच्चे हैं जिसमें एक राहुल। हाँ, राहुल सांझिल हुए हैं। हाँ, छोट हुए हैं जिसकी मौत हो गई। मैं आपको इनके परिवार का एक एक दृश्य दिखाऊंगा कि आखिर इस परिवार की क्या गलती। राहुल अपना दुकान जा रहा था, बस उससे यही गलती हुई है। और देख सकते हैं 2 व्यवसायियों के बीच झड़प थी और राहुल को पता नहीं क्या, ये जांच का विषय है आखिर राहुल की हत्या क्यों किया गया। कोई लगता है कुछ विवाद कुछ था क्या? कोई मैटर नहीं था। उस क्यों मार दिया उसको? न वो किसी को चिन रहा, न वो उसको चिन रहा, झोंके में उसको पर गोली फायरिंग कर दिया। आप सोच सकते हैं किसी और के निशाने पर चला गया। अच्छा, उस समय मतलब गोली जब चली, गोली कहाँ पर चली थी? गोली शायद यहाँ से चला रही थी, हम काउंटर पर बैठे होते, पहला हाँ। गोली जो चला था उसको हाँ। हम केयर नहीं कर पाए, हमको लगा कि ठेला उतर रहा तो उसका टायर फट गया। अच्छा, जब वो दूसरा गोली चलाने लगा हाँ। तो हम लोग काउंटर पर से उतर के उसको हल्ला करने लगे, तो वो भागते हुए बैंक ऑफ, यानी पहली गोली चली, सब लोग हरकत में आए हाँ। फिर अपराधी ने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, उसे गोली लगी उसे? नहीं, पहली गोली शायद उसके लगी थी। अच्छा, पहली गोली लगी? हाँ, दूसरा का गोली फायरिंग किया, फिर तीसरा फायरिंग जब करने लगा तो उसका फायरिंग नहीं लिया। हाँ, तीसरा फायरिंग में उसका फायरिंग नहीं लिया, वो भाग चला। फिर हम लोग पीछे से यहाँ से गतना स्टार्ट किए हैं बैंक ऑफ इंडिया में। इधर देख लीजिए, जो जनता यहाँ पे है ना उसका सवाल है और पुलिस यहाँ पर तैनात है। मैं आपको राहुल का दुकान दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक गोली चलाई गई और दुकान जो है राहुल का, ये वाला दुकान है, ये दुकान देख लीजिए, गोली वहाँ चलाई गई, लड़का वो जो है वहाँ से क्रॉस कर रहा था अपने दुकान आने के लिए, ये यहाँ पे गिरा है ना। हाँ, गोली वहाँ पे लगते गई, लोग अपने राहुल अपना को बचाते बचाते यहाँ पर आया और यहाँ पे दम तोड़ दिया। राहुल का दुकान है, ये राहुल का दुकान है, ये राहुल का दुकान, ये दुकान है, दूसरा दुकान कौन सा? ये दुकान है, वो दुकान, ये वाला देख लीजिए, सब यहाँ पे साक्षात प्रमाण है। बाबा ने देखा किस तरह से राहुल ने आखिरी वक्त अपना जिंदगी का दम तोड़ा, वहीं पर दम तोड़ा। ये दुकान है, ये दुकान इसलिए आया होगा, अपने पापा को बताने के लिए आया होगा कि मुझे गोली लग गई है, मुझे एडमिट करवाओ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लड़का मात्र 22 साल का लड़का, सोचिए क्या हो गया। पुलिस का कोई खौफ नहीं, मामूली सी विवाद 2 व्यवसायियों के बीच, 2 व्यापारियों के बीच मामूली सा विवाद और मुफ्त में मारा गया 22 वर्षीय राहुल। 20 वर्ष हो गया। ठीक रहे, 22 रहे या 19 रहे चाहे 20 रहे, लड़का निकल गया ना जी। कोई गलती था राहुल का जी? कोई गलती था बेचारा का? बेचारा रोड क्रॉस कर रहा था, 2 लड़का 2 आदमी लड़ रहा था, गोली लग गया उसे। और देख लीजिए, ये प्रशासन का यहाँ पे निकम्मापन है कि अब तक उस अपराधी को पकड़ नहीं पाया है। पुलिस पकड़ा है ये अपराधी को? नहीं पकड़ा है। जनमन दावा नहीं कर रही है,
ये हम दावा नहीं कर रहे, पब्लिक दावा कर रही है। अच्छा नहीं है, एक एक डेढ़ घंटा के बाद आया हुआ है प्रशासन, वो भी फोन करने के बाद फोन भी नहीं उठा पाता। अच्छा, लाइए बुला करके जो पकड़ाया है ना उसको लाइए यहाँ, मार करके जला दीजिए। देखते कितना दर्द इनका है। दर्द नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा। लड़का कैसा लड़का था? लड़का गोरा रंग का था, स्वभाव था कैसा लड़का? पच्चीस सितंबर के शादी होने वाला था उसी के भाई के, उसका घर में शादी। सोच लीजिए राहुल के घर में शादी का माहौल, आज पसरा है मातम। दुर्भाग्य है इस बिहार का और पटना का कि प्रशासन का कोई खोप नहीं है। काम तो छोड़ दिया था यहीं पर, लेकिन नीति निभाने के लिए पारस हॉस्पिटल में भेजा गया था उसको। अच्छा, वहाँ खबर आया कि मौत हो गया। लेकिन राहुल ने दम यहीं पर तोड़ दिया था। भैया जो हिसाब से दम यहीं पर बेचारा तोड़ा हुआ था। हम लोग अब राहुल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, और जो अपराधी था क्यों उसे मारा है उसको लाइए, यहाँ बुला करके लाइए थाना से। अरे भैया मीडिया का में दिखाना, पटना का में लाना, लेकिन आप लोग का जो प्रशासन है, कोशिश कीजिए। हम लोग दबाव बना सकते हैं, प्रशासन पर चढ़ नहीं सकते हैं। प्रशासन जो है मादर चोद है, यहाँ के प्रशासन जो है अच्छा नहीं है, घुसखोर है, घुसखोर है, काफी आक्रोश है। और आज एक युवक ने अपना जिंदगी का एक आज एक युवक ने अपना जिंदगी गवा दिया। ये है दुकान, प्लीज वो ये है दुकान, एक वो है दुकान। प्लीज इस वीडियो को देश हित में वायरल कीजिए और दिखाइए कि नीतीश बाबू के साम्राज्य में किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है और किस तरह से अपराधी बेखौफ है। शेयर कीजिए, धन्यवाद आप।